गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आपके आईसीआर के कॉलेजेस के प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कॉलेजेस को किस प्रकार से आपको सेट करना है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे जो है चॉइस फिलिंग का एक प्रेफरेंस ऑर्डर आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार के कॉलेजेस को रख सकते हैं अगर आपकी रैंक हाई है तो। ठीक है, अगर आपके रैंक के यहाँ पे मान के चले अगर 3K+ आपकी यहाँ पे रैंकिंग है तो आप किस प्रकार से कॉलेजेस को यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी रैंकिंग यहाँ पे 3K+ है ना, बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपको चाहिए है, मोपअप राउंड तक अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रेफरेंस ऑर्डर दिखाने वाला हूँ। आप इस प्रकार से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप इस प्रकार से कॉलेजेस को फिल कर सकते हो, है ना। मैंने सेट कर रखा है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को किस प्रकार से रखना है, स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज है उनको कैसे रखना है, साउथ की यूनिवर्सिटीज को कैसे रखना है, गुजरात की यूनिवर्सिटीज को कहाँ प्रेफरेंस देनी है, ये सारे डिटेल्स में आपको जो है चॉइस फिलिंग का ऑर्डर मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम आपके बीएससी एजी के जो है आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको दिखाएंगे। ठीक है, हॉटी का आपको बताएंगे, फॉरेस्ट्री का चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको किस प्रकार से प्रेफरेंस में आप कॉलेजेस को रख सकते हो। अभी आपके पास देखा जाए तो टाइम टाइम है। ठीक है, आपको पर्याप्त यहाँ पे टाइम है आपकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी आपके पास टाइम है, तो आप जल्दी जल्दी करके यहाँ पे चॉइस फिलिंग ऑर्डर को लॉक ना करें। आप सभी को पता है, ठीक है, आप यहाँ पे जल्दी जल्दी करके चॉइस फिलिंग ऑर्डर को आप लॉक कर दो, जो कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है, आप सभी को पता है ना। अगर आपने गलती से क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, जल्दी जल्दी में साउथ के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे देते हैं। देखिए, बहुत सारे देखो फैक्टर मैटर करते हैं चॉइस फिलिंग के लिए। यहाँ पे आपको सबसे पहला फैक्टर, अगर कॉलेजेस को सेट करने अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले फैक्टर आप यहाँ पे लोकेशन को देखकर ही चॉइस फिलिंग करें। ठीक है, कि लोकेशन कैसी है कॉलेजेस की, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है खासतौर से गर्ल्स के लिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको देखना है उस यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी है भाई, है ना, उसकी एनुअल फ़ी क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अधिकतर यहाँ पे अगर बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत कम है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको पता है, आपको रिजर्वेशन देखता है उनका कहाँ है। सेंट्रल की जो यूनिवर्सिटी है उनमें उनका 100 यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ, आप सभी को 100% सीटें फिल होने होंगी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आईसीआर के थ्रू, आप सभी को पता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आप सभी को पता है, इनकी वहाँ पे रिजर्वेशन है, इनकी सीटों का वहाँ पे रिजर्वेशन है, आप सभी को पता है। बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी में ना तो आपकी ओबीसी का ना ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कैटेगरी रैंक अगर आपकी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की अगर कम है तो बिल्कुल आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे इस प्रकार जो कॉलेजेस को आपको सेट करना है वो प्रेफरेंस ऑर्डर आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट भी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई, वो पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो मे बी आप, मैं कुछ आपको कॉलेजेस प्रेफरेंस दिखाने वाला हूँ कि आप कुछ इस टाइप से कॉलेज को प्रेफरेंस को कॉलेजेस को रख सकते हैं। मैंने लिस्ट तैयार की है प्रॉपर तरीके से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं भी एक जो है आपका JNKB जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है उसका स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, अगर आपको भाई पर्सनल मतलब अगर आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर करना नहीं आता है कैसे करना है, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप सभी को पता है एग्री जर्नी करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आप मेरे को DM कर सकते हो, मैं पर्सनली आपको यहाँ पे लिस्ट जितने स्टूडेंट्स को हो सकेगा बिल्कुल यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आप सभी को अपने जो है अनुभव के अकॉर्डिंग आपको मैं लिस्ट जो है सेंड कर पाऊँ। बस आपको यहाँ पर रैंक कार्ड मेरे को DM करना होगा टेलीग्राम पे, मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से आपको लिस्ट प्रिपेयर करके बिल्कुल आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, बस आपको मैसेज करना है, और अगर कोई भी एनी डाउट हो इंस्टाग्राम आपको ओपन है, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखी है। ठीक है, तो आइए फिर उन चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर को देखते हैं। बाकी आप सभी को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सबसे पहले करनी होगी, उसके बिना आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। तो आपको आपको सभी को यह चीज़ पता है कि एप्लीकेंट लॉगिन पर आपको यहाँ पे क्लिक करके, ये आपका एप्लीकेशन लॉगिन है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करके और जो है आपकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर को आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ID पासवर्ड क्रिएट आपने सभी ने किया होगा, वो ID पासवर्ड आप क्रिएट करके और यहाँ पे कैप्चर को फिल करके लॉगिन करके आप अपना जो है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। आप सभी को पता है, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर भी चुके होंगे, और रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर भी लेना चाहिए। ठीक है, बस चॉइस फिलिंग को थोड़ा सा देख के करना, वो प्रेफरेंस आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे 5 जो है आपके 500 रुपये यहाँ पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लग रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए फिर एक चॉइस फिलिंग का ऑर्डर मैंने बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की तैयार किया हुआ है उसको देखते हैं। ठीक है, और मैं रीजन भी आपको बताऊंगा कि वो यूनिवर्सिटीज मैंने फर्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे क्यों रखी हुई है। ठीक है, रीजन के साथ चलेंगे अपन। ये बात कर रहा हूं मैं जिनकी 3000+ रैंकिंग है वो इस प्रकार से चॉइस फिलिंग ऑर्डर रख सकते हैं। ठीक है, आइए उन सभी चीजों को समझते हैं।
तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का आपको प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैटर करता है प्रेफरेंस ऑर्डर, आप सभी को पता है चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे पता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनकी 3000+ रैंकिंग है, किस प्रकार से वो कॉलेजेस रख सकते हैं। भाई बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ भी यहाँ फिलहाल में अभी समझ में नहीं आ रहा है कि चॉइस फिलिंग के ऑर्डर का प्रेफरेंस रखा कैसे जाए, तो एक एक्यूरेट आपको अनुमान लग जाएगा, भाई रख भी सकते हो। बहुत बेटर यहाँ पे जो है चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, ये बीएससी एग्रीकल्चर का मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे एक बात बता दूँ, खासतौर से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, उनको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे रिजर्वेशन है, आप दे सकते हो, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत बेस्ट भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रखना है कि आप यहाँ पे जो है रानी लक्ष्मीबाई को रख सकते हो, इसकी बहुत कम फीस आपको देखने को मिलती है, अप्रोक्स 4000 4500 के आसपास इसकी आपकी फीस होती है। और जो आपकी झांसी में यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हो, रानी लक्ष्मीबाई। सेकंड नंबर पे आप आनंद गुजरात को रख सकते हो, ये भी एक गुजरात की टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है। देखो अधिकतर स्टूडेंट्स का चॉइस फिलिंग ऑर्डर ये होता है कि देखो जो साउथ के स्टूडेंट्स हैं वो तो भाई सीधी सी बात है अपने यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देते हैं, अपने यहाँ की यूनिवर्सिटीज को। बट अधिकतर स्टूडेंट्स ये होते हैं कि भाई कोई गुजरात से है, कोई यूपी से है, कोई एमपी से है, अलग अलग अदर अदर स्टेट से है, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं भाई साउथ के कॉलेजेस में जाना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं जाना, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है बिल्कुल पूरा माहौल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो आपको आईआरआई हो गया आपका, या आपका जो है चौधरी चरण सिंह हो गया, या आपकी और भी अदर यूनिवर्सिटीज टॉप रैंकिंग की बीएचयू हुआ, ये आपको मिलने से रही, ठीक है। ये आपको नहीं मिलने, आप सभी को पता है, फिर आप प्रेफरेंस ऑर्डर में रख के करोगे भी क्या? आप सोचो कि मैं आईआरआई को फर्स्ट रख दूं, बीएचयू को रख दूं, आपकी जो है जो यूनिवर्सिटी है आपकी चौधरी चरण सिंह को रख दूं, ये यूनिवर्सिटीज आप रख के आपको मिलने तो नहीं वाली, आप फिर भी क्यों रखोगे भाई? इसलिए थोड़ा सा चॉइस फिलिंग का ऑर्डर ऐसा रखो कि आपको अपग्रेड में भी मदद मिले, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको बाई चांस आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा हाई है, आपको हॉर्टिकल्चर मिल गया, तो कम से कम आप अपग्रेड में आपको हॉर्टिकल्चर तो मिले, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कम से कम प्रेफरेंस ऐसा रखो कि आप अपग्रेड कराओ तो आपको हॉर्टी एग्रीकल्चर के आपके चांसेस तो रहे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मैटर कर, इसलिए बोलते हैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और गलती बिल्कुल भी मत करना भाई। आप सभी को पता है डेट वहां पे एक्यूरेट आपको देखने को मिल जाएगी कि आपको बिल्कुल वहां पे फिर चॉइस फिलिंग ऑर्डर में आपको चेंजेस करने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले, ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है झांसी में सबसे फर्स्ट पे ये हो गई, फिर सेकंड नंबर पे आपकी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में हो गई, ये भी आपकी टॉप की यूनिवर्सिटीज है। इसके बाद आपकी देख सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार में है। फिर नंबर चार पर आप यहाँ पे महाराणा प्रताप को रख सकते हो, जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है राजस्थान की, आपकी उदयपुर में है। नंबर फाइव पर आपकी जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, ये देखा जाए यूनिवर्सिटीज तो आपकी बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। इसके क्या होते हैं, अगर रैंकिंग आपकी हाई रहती है थोड़ा सा, तो इसके सब कैंपस भी आपको अलॉट होते हैं, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटीज आती है वो आप देख सकते हो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आपकी इम्फाला में है ना, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, और अप्रोक्स फीस की बात करूँ तो 12 से 14 हज़ार के आसपास इसकी एनुअल फीस है आपकी। इसके बाद आपकी CHKHPV जो पालमपुर में है, चौधरी सरवण आपके कुमार जो यूनिवर्सिटीज है पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आपकी IGKB इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जो कि आपकी रायपुर छत्तीसगढ़ में है, और आप सभी को यहाँ पे एक चीज तो पता है कि यहाँ पे आपकी जो है ICAR से 20% स्टूडेंट आपके जो है स्टेट यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन है, आप सभी को पता है ICAR के स्टूडेंट्स जाएंगे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है। और यहाँ पे नंबर नाइन पर आप देख सकते हो चंद्रशेखर आज यूनिवर्सिटीज एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी आपकी कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नंबर टेन पर आप देख सकते हो नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आपकी गुजरात में है। ये बहुत अच्छी जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है बहुत बेस्ट है, आप इसको लिख भी सकते हो, आप देख सकते हो किस प्रकार से मैंने कॉलेजेस को यहाँ पे फिल किया हुआ है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे नंबर 11 पे है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आपकी जोधपुर में राजस्थान में है, ठीक है। नंबर 12 की हम बात करो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि इस बार आपका काउंसलिंग में एड हुआ है, पार्टिसिपेट कर रहा है भाई आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, अप्रोक्स 66 आपकी जो है 66 सीट अवेलेबल है इसमें 66, ठीक है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर में होगी, हॉर्टिकल्चर के लिए भी ये यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी यहाँ पे नंबर 14 पे, ये बीएससी एग्रीकल्चर का प्रेफरेंस ऑर्डर बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नाटका आपकी बेंगलुरु में है, फिर इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में है। भाई यहाँ पे आपको मैं साउथ की यूनिवर्सिटीज मैंने लास्ट में रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपकी रैंकिंग हाई है, वो तो आप सभी को पता है कि अगर आपको रैंकिंग हाई है तो फिर आपको चांसेस आपके कर्नाटका साउथ की यूनिवर्सिटीज के ही है चांसेस। अगर आपकी बहुत ज़्यादा रैंकिंग देखने को मिलती है 5000 5500 6000 के आसपास, तो फिर आपको चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार एग्रीकल्चर आपकी साबोर में है, महात्मन फूले हो गई विद्यापीठ आपकी राउरी में है, ठीक है, ये महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज़ हैं।
इसके बाद आप तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज देख सकते हो, कोयम्बटूर, फिर डॉक्टर बाला साहब हो गई, आचार्य एनजी रंगा यूनिवर्सिटीज गुंटूर में हो गई, आपकी आंध्र प्रदेश में है। नंबर 21 पे आप रख सकते हो आचार्य नरेंद्र देव, जो आपकी कुमारगंज उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या में, ये भी आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। 22 पे आप रख सकते हो यहाँ पे डॉक्टर पंजाब राव देशमुख, है ना, फिर सरदार कृषि नगर दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। बट रखने को तो आप बहुत यूनिवर्सिटीज रख सकते हो, बट मतलब नहीं निकलने वाला। आप सभी को पता है रैंकिंग हाई है, तो फिर कैसे वो कॉलेजेस अलॉट होंगे टॉप रैंकिंग के। और यहाँ पे आप सभी को एक चीज पता है कि हर एक स्टूडेंट्स की यहाँ पे अब मतलब लगता है कि भाई हम भी टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज बन जाए, बट आपके रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे कॉलेज को फिल करना होगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके नंबर रैंकिंग बहुत ज्यादा हाई है फिर आप सोचो कि मैं IRA चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं, क्योंकि IRA बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है भाई। फिलहाल में यहाँ पे टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको इस बार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सिटीज़ आपकी, है ना, स्वामी केशवानंद आपकी राजस्थान बीकानेर में है। नेक्स्ट आपकी 26 नंबर पे आश्रम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोराहाट आश्रम में है। यहाँ पर नंबर 27 पे आप देख सकते हो बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है। फिर आपकी केरला हो गई, इसके बाद नागालैंड में आपकी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। नागालैंड बहुत कम जाना पे फ्रेंड्स जो है स्टूडेंट बहुत कम पसंद करते हैं, है ना। इसके बाद नंबर 30 पर आपकी यूनिवर्सिटीज़ आती है यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रुचिर कर्नाटक में है। अच्छा एक बात आप सभी को यहाँ पे बता दूं, अगर आपको फर्स्ट बार कॉलेजेस अलॉट होते हैं और फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको यहाँ पे अगर हॉर्टिकल्चर अलॉट हो जाता है तो आपको यहाँ पे अपग्रेड कराना है तुरंत, आपको कॉलेजेस को लेना नहीं है, अपग्रेड कराना 100% आपको अपग्रेड में BSc AG के जो कॉलेजेस हैं वो मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है, इसको सारी चीज़ों को, ठीक है। आपको फर्स्ट बार में कॉलेजेस अलॉट हो जाए तो आपको लेना नहीं है, ये चीज़ें थोड़ा सा समझना, ठीक है। फिर आपको अगर टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज मिल जाती है तो अच्छी बात है। इसके बाद नंबर 30 पर आप रख सकते हो यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चर धारवाड़ कर्नाटक में, ये आपका यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर का प्रेफरेंस ऑर्डर है। टोटल यहाँ पे 31 यूनिवर्सिटीज रखी है मैंने, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। तो आप कुछ इस टाइप से चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर रख सकते हो, बाकी अगर आपको कोई यूनिवर्सिटीज पसंद है तो आप हल्का सा ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी BSc हॉर्टिकल्चर की, प्रेफरेंस ऑर्डर आपको हॉर्टिकल्चर का किस टाइप से रखना है, जिनके हाईएस्ट रैंकिंग है वो यहाँ पे किस टाइप से प्रेफरेंस ऑर्डर को शेड करें, ठीक है। आपको भरना है, सारे कॉलेज को फिल करना है। यहाँ पे नंबर 1 पर आप रख सकते हो डॉक्टर YS परमार, जो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। नंबर 2 पर आप झांसी की आपकी यूनिवर्सिटीज को रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल, जो आपकी यूनिवर्सिटीज है समस्तीपुर बिहार में, ठीक है, ये भी आपकी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। इसके बाद आप यहाँ पे शेर ए कश्मीर को रख सकते हो, ठीक है, बांदा आपकी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर तमिलनाडु एग्रीकल्चर जो आपकी TNU कोयम्बटूर में है। नंबर 7 पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इम्फाला को रख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी नंबर 8 पर, तो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप जूनागढ़ की रख सकते हो। नवसारी हो गई आपकी, ये गुजरात की यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। नंबर 10 पर आप देख सकते हो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कोटा राजस्थान में, ये हॉर्टिकल्चर के लिए है, इसको भी आप रख सकते हो। नंबर 11 पर आप यहाँ पे IGKB को रख सकते हो। देखो हॉर्टिकल्चर में आपकी प्रीवियसर की अपेक्षा हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ पे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज ऐड हुई हैं, आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे बसंतराव नाइक मराठवाड़ा में है, ये भी यूनिवर्सिटी आपकी परवणी ऐड हुई है। आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या, मैंने आपको बताया कुमारगंज में हॉर्टिकल्चर के लिए, BSc हॉर्टिकल्चर के लिए। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबोर में है, ठीक है, ये इसी बार ऐड हुई है आपकी, मैंने बताया बिहार। इसके बाद नंबर 15 पर आप रख सकते हो बाला साहब हो गया, डॉक्टर पंजाब राव हो गया। इसके बाद नंबर 17 पे आप सरदार कृषि नगर दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आपकी दंतेवाड़ा में है। नंबर 18 पर आप रख सकते हो यूनिवर्सिटीज ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बागलकोट, है ना, ये आपके कर्नाटका में है। नंबर 19 पर आप देख सकते हो सारा सीक्वेंस मैंने सेट कर रखा है, आप इस प्रकार से कॉलेजेस को फिल कर सकते हो अगर आपकी रैंकिंग हाई है तो, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से यहाँ पे बोल रहे हैं सर एक सीक्वेंस मेरे को थोड़ा सा बता दो, ठीक है। तो आप कुछ इस प्रकार से आप रख सकते हो, है ना, ये भी आपकी यूनिवर्सिटी जो इसी बार ऐड हुई है, विद्यान चंद्र किशन विश्वविद्यालय मोहनपुर में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, आप देख सकते हो। बहुत बेस्ट यहाँ पे चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर है ये BSc एग्री हॉर्टी। और फॉरेस्ट्री का भी आप सेम रख सकते हो, जो आपकी फॉरेस्ट्री में टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज हो आप उनको यहाँ पे चॉइस फिलिंग ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस में रखिएगा, ठीक है। BSc फॉरेस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चॉइस फिलिंग आपका ऑर्डर कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो। और BSc हॉर्टिकल फॉरेस्ट्री की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो आप टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज को रखें, BSc फॉरेस्ट्री में आपको टॉप रैंकिंग की जो यूनिवर्सिटीज है उनको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो ये आपको अगर वीडियोस पसंद आती है, कुछ भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं यहाँ पे आपको कुछ एडवांटेज बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, कि आपको इसमें जो है ज़्यादातर एडवांटेज क्या है ज़्यादा सिलेक्शन होने के, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वंदे मातरम।